और बिहार सरकार लैंड सर्वे के जरिए जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराना चाहती है, लैंड रिकॉर्ड को पारदर्शी बनाना चाहती है, लेकिन बिहार के लोग कागज और कार्यालय के चक्कर में पड़कर परेशान हो रहे हैं। भूमि सर्वेक्षण, लैंड सर्वे, ये शब्द आजकल बिहार के हर चौक चौराहे और बैठकी में चर्चा का विषय है, क्योंकि बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया है। भूमि सर्वेक्षण में पुराने खतियान को अपडेट किया जा रहा है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि खतियान आखिर होता क्या है। खतियान जमीन से जुड़ा एक दस्तावेज है। खतियान में जमीन से जुड़ी सभी जानकारियां होती हैं, जैसे कि जमीन मालिक का नाम, जमीन मालिक के पिता का नाम, जमीन का रकबा, प्लॉट नंबर, मौजा का नाम, चौहद्दी और जिला भी इसमें दर्ज होता है। खतियान में पूरा पता दर्ज होता है, प्लॉट के क्षेत्रफल की जानकारी भी होती है। जमीन सर्वेक्षण क्या है ये जानने के बाद दूसरा सवाल आता है कि लैंड सर्वे कराया क्यों जा रहा है, इसका मकसद क्या है। दरअसल सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराना, लैंड रिकॉर्ड को पारदर्शी बनाना, अधूरा भूमि अभिलेख अपडेट कराना, भूमि विवाद मालिकाना हक का समाधान, सटीक भूमि अभिलेखों से राजस्व संग्रह में सुधार, साथ ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पारदर्शी करना भी सर्वे का मकसद है। लैंड सर्वे को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने कहा, इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा। जो अधिकारी, जो कर्मचारी भ्रष्टाचार में या किसी भी तरीके से लिप्त पाए जाएंगे, उनकी खैर नहीं है। और अब सुधार शुरू हो गया है। निचले स्तर पर कुछ दलाल लोग, जमीन माफिया लोग कोशिश करते थे, अब उनको भी पता लग गया है कि धीरे धीरे अब उनका भी खैर नहीं। लैंड सर्वे क्या है और इसे क्यों कराया जा रहा है, ये साफ होने के बाद तीसरा सवाल उठता है कि जिन लोगों को लैंड सर्वे कराना है उन्हें क्या करना होगा, कहां जाना होगा और कौन से दस्तावेज देने होंगे, ये भी जान लीजिए। स्व घोषणा का प्रपत्र रैयत या वंशज जमा करें, जमाबंदी रैयत जीवित हो तो स्व घोषणा पत्र जमा करें, जमीन का रिकॉर्ड और परिमाप भरकर जमा करें, खुद वंशावली तैयार कर अंचल शिविर में जमा करें, राजस्व रसीद की कॉपी भी जमा करें, क्रय और बदलैन की भूमि का दस्तावेज, न्यायालय का आदेश हो तो उसकी फोटोकॉपी। वंशावली पर पंचायत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर जरूरी नहीं है, खतियान की सच्ची प्रतिलिपि की जरूरत भी नहीं है, राजस्व रसीद की अपडेट प्रति आवश्यक नहीं है, जबकि खामियों के सुधार के लिए 3 मौके मिलेंगे। सरकार की कोशिश है कि लैंड सर्वे को सरल और पारदर्शी बनाया जाए, पर लैंड सर्वे के लिए कागजात जुटाने में आम लोगों के पसीने छूट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब जानते हैं कि लैंड सर्वे आखिर क्या है, इसे क्यों कराया जा रहा है, कौन से दस्तावेज भूमि सर्वेक्षण के लिए जरूरी हैं, ये हमने अभी अभी आपको बताया। अब क्या हो रही है परेशानी, ये भी जान लीजिए। जमीन से जुड़े दस्तावेज मिलने में दिक्कत हो रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि उनके पास दस्तावेज है ही नहीं, पुराना खतियान मिलने में परेशानी हो रही है, कागजात मौजूद नहीं होने से परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है, वंशावली बनाने में भी दिक्कत आ रही है, लोकल स्तर पर भ्रष्टाचार की शिकायत लगातार लोगों की तरफ से की जा रही है, कार्यालय में भीड़ और कुव्यवस्था, कई लोगों को पूरी जानकारी भी नहीं है कि इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे प्रक्रिया को कैसे पूरा करना है, इसकी भी जानकारी लोगों को ठीक ढंग से नहीं है, अधिकारी सही से जानकारी नहीं देते, बकास गैर मजरुआ भूमि का क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, दान में मिली जमीन का क्या होगा, ये भी बड़ा सवाल है। और इसी बीच ये भी अफवाह उड़ा दी गई कि जमीन सर्वे में हो रही परेशानी की वजह से सरकार ने इसे रोकने का निर्णय ले लिया है, लेकिन तमाम अटकलों पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने विराम लगा दिया
और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, जो भू माफिया है वो ये चाहते हैं कि इसे रोका जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं और जमीन सर्वे लगातार जारी रहेगा। इसकी चर्चा खुद राजस्व और भूमि सुधार मंत्री की तरफ से की गई है।